सामने ना, सामने सामने सिंह, मैं प्रिंसीपल खालसा कॉलेज अमृतसर। सब तो पहला सारे स्रोतियां नू, दर्शकां नू प्यार भरी सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये विसाखी का त्यौहार पंजाब लई, पंजाबियों लई, सिखां लई बहुत अहमियत रखता है। ये दो वड्डे पक्ष ने। साडा ट्रेडिशनल रूप च विसाखी का संबंध साडी कणक की आमद नाल, फसल की आमद नाल बनता, क्योंकि पंजाब एग्रोबेस स्टेट आ। मतलब इत्थे फसल की जिहड़ी होना एक खुशी का प्रतीक सी किसानी लई, ते उस खुशी उस चाह वजों इहनू वाढ़ी तो पहला मतलब एक त्यौहार वजों मनाया जाता सी, मनाया जाता सी। ते एक तरह का घर फसल रिजक पैसा आउण दी खुशी वजों मतलब ये सारे पंजाबी इनू मनाते हैं। फिर ये दूजा साडा पक्ष जुड़ जाता खालसा साजना। विसाखी वाले दिन गुरु साहब ने 1699 खालसा पंथ की स्थापना की। उन्हें इस अहम दिहाड़े की चोण करन दा विशेष वजह सी कि ये दिन पहला ही पंजाबियों लई खुशियां खेड़ियां दा, इस करके इस दिन नू एक नवा होर रूप दिता जाए कि जिहड़ी पग आ पंजाबियों की पहचान आ, उहनू नाल एक धार्मिक ओट आसरा भी दिता गया कि सिखां की पहचान जिहड़ी पग, खालसे का साजना, ये दुनिया भर च जिहड़ी खालसे का वेस दिख भेस ये जिहड़ी आ नवे रूप च दित्ती गई। तो उहदे विच असी समूह पंजाबी, समूह सिख इस दिहाड़े नू एक फसल की आने की खुशी वजो भी मनाने, खालसा साजना दिवस वजो भी मनाने। दोनों ही पक्ष साढ़े पंजाबियों लई, सिखां लई बहुत अहमियत रखते हैं। तो खुशियां खेड़ियां के पक्ष तो असी एक पासे साड़ी घर रिजक आने की गल आ, दूजे पासे साढ़े धार्मिक रूप से सानू नवा जन्म नवी दिख मिलने की जिहड़ी आए मतलब दिन असी खुशी मनाने। कई धार्मिक स्थानों पर मनाया जाता है, दरियावां के कंढ़ियां भी मनाया जाता है, मेलियां के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस दिन का जिहड़ा खालसा कॉलेज अमृतसर आ, ये अपनी परंपरा ट्रडिशन पर खड़ा होया। साडी मैनेजमेंट साडे सियाणियां वल्लों जिहड़ा साडा कॉन्स्टीट्यूशन आ खालसा कॉलेज का, वह रंग इत्थों हुंदा है कि खालसा कॉलेज अपनी पंजाबी भाषा, पंजाबीयत, अपने धर्म इतिहास नूं प्रमोट करने लई वचन बनता। इस करके खालसा कॉलेज हमेशा ही पंजाबीयत दे पक्ष तों, खालसा दिवस दे पक्ष तों सदा ही पहलकदमियां करता है। सर सी 12 तरीक नूं भी तुसीं देखोगे, 12 अप्रैल नूं विसाखी दिहाड़ा मना रहे हैं, जिहड़ा कि बिल्कुल उहदा ट्रडिशनल रूप होएगा। उहदे विच मंजिआं ते जिवें लोक बैठदे सी, पुरातन जो साढ़े साजो समान सी, पुरातन खाने सी जिस तरह के सारे, वह सारा कुछ कि असी आपदी विरासत ते खड़े होए हैं। तो उस विरासत नू प्रमोट करन लई असी की साड़ियां कल्चरल एक्टिविटीज़ आ, खालसा कॉलेज गिंदा भंगड़ा साढ़े पंजाबीयत, पंजाबी सभ्याचार की शान उहनू प्रमोट करन लई
असी हमेशा ही आपके विद्यार्थियों को उत्साहित करते हैं। साडे यूथ कोआर्डीनेटर सरदार दविंदर सिंह स्पैशल इस एक्टिविटीज़ से जुड़ लगे हुए ने, तो ये मतलब संखेप कहना हो एक नवे मौसम वजो सियाल बिल्कुल खत्म हो जाता है, गर्मी आरंभ हो जाती है, तो साढ़े घर नवी फसल की आमज होंगी आ जिद कई आसा मंगा जुड़िया होंगे, कितने वो खर्चे का लड़के का विह कि लड़की का विह या होर खर्चा च, इस करके ये साडा अज भावें नौकरी पेशा महीने बाद सानू तनखावां मिलदियां पर कभी इदा नहीं सी, कभी साढ़े को साल च दो वरी फसल आँदी सी ते असी इहनू पूरी खुशी वजो मनाउंदे सी, ते उहदे नाल ही फिर साडा गुरु साहिब वल्लों जिहड़ा सानू नवा रूप वेस भेस खालसा स्थापना दा दित्ता गया उहनू भी उसे शरदा नाल उसे भावना नाल असी मनाउंदे आ। ते खालसा कॉलेज हमेशा ही तुसी देखदे हो साडे लड़कियां साडे लड़के की ये भंगड़ा साडा गिद्धा, तुसी पंजाबी फिल्मां भी किते देखोगे उहदे साडियां जरूर टीम की किते ना किते शमूलियत हुंदी आ, भावें भंगड़े च होवे भावें झूमर च होवे भावें गिद्धी च होवे, ते असी खालसा कॉलेज अपने सभ्याचार नूं प्रमोट करने लई वचनबद्ध आ। तुसी देखिया होवेगा किते भी चैनल च तुसी होर कॉलेजां नाल साडा कंपैरिजन करो, असी कदी फैशन शो नहीं करदे, असी होर तरह के कभी लड़कियां के कंपीटीशन नहीं, पर असी पंजाब ते पंजाबीयत नूं प्रमोट करन लई सारे मुकाबले कराउने आ, सारे उन्हां दे दस्तारबंदी एक पंजाबी गभरू की दिख पंजाबी मटियार की दिख यहो जे सारे असी शो कराउंदे रहिंदे आ अपने पंजाब ते पंजाबीयत नूं प्रमोट करन लई। सर बड़ा एक पवित्र त्यौहार है विसाखी जिहड़ा हैगा, लेकिन इत्थे इसे ही दिन एक बड़ी मनभागी घटना भी जी हुई सी जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 साढ़े अमृतसर के जलियांवाले बाग का भी सी। देखो कई बार घटना जुड़ भी जांदियां ने इतफाकन भी जुड़ जांदियां ने। देखो जे जलियांवाले बाग की घटना तुसी थोड़ा देखो वो 12-13 पहला अप्रैल नू मतलब बमबारी के रूप में प्लैन किया जा रहा है, उस वेले साढ़े खालसा कॉलेज के प्रिंसीपल वादण ने बहुत शलाघायोग रोल निभाया सी, ते जाके कमिश्नर लाहौर नू रिपोर्ट की सी भी तुसी वर्ल्ड वार दे विच साढ़े सिख पंजाबी बहुत वड्डी गिनती चा, क्योंकि 14 तो 18 तक वर्ल्ड वार सी, पहली वर्ल्ड वार दे विच पंजाब दा बहुत वड्डा रोल सी जिहड़ा अंग्रेजा दे पक्ष तो बाहर जाके असी लड़े। और दूजी एक रामनौमी का त्यौहार, एक कई त्यौहार जुड़ गए, तो अमृतसर दे विच आम करके ही हरिमंदर साहब दे विच बहुत रौनक संगत आउंदियां ने, ते विसाखी वाले दिन भी संगत जुड़दियां आउंदियां रामनौमी का, वो उस वेले थोड़ी मतलब जो ज़्यादा संगत सी जलियांवाले बाग दे विच, क्योंकि उस तो पहला इन्नियां घटनावां वापर गईयां सी मतलब जिहड़ियां जिहदे च साडे मतलब लीडरशिप का जिहड़ी आजादी की मूवमेंट जिहड़ी बन रही सी अजे पूरी तरह नहीं सी बनी पर बन रही सी, उहदा अंग्रेज हुकूमत नाल पूरा टकरा आ गया सी, डॉक्टर किचलू वर्गे डॉक्टर इस तरह सारे मतलब जिहड़े वड्डे लीडर सी उहनां नूं गिरफ्तार कर लिया गया, ते उह इक बड़ा टेंस ते बड़ा एक विरोध का टकराव का माहौल बन गया। उहदे च जिहड़ा फिर जनरल डायर ने वो निहत्थे पंजाबियों उन्हां नूं ये लगा भी ये जिहड़ी इस तरह की मूवमेंट उभर रही आ इस तरह का ये साढ़े नाल टकरा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ टकराव हो गए ही, तो ये तो साड़ी हुकूमत मलिया मेट हो जाएगी जे पंजाब इस तरह ही उठ पिया, पंजाब नू दबाउण लई पंजाब ते दहशत फैलाउण लई एक पंजाबियों नू सबक सिखाउण लई जनरल डायर ने अन्नेवाह जिहड़ा अंधा धुंध गोलियां चला दित्तियां, पर इनू राइटर साडे हिस्टोरियन वह घटना अंग्रेज हुकूमत दे बैड विच डैथ किल बन गया सी, उस तो इन्नी मूवमेंट वड्डी खड़ी हो गई भी जिहड़ा कि अंग्रेज नू फिर राज करना बहुत मुश्किल हो गया, तो फिर तकरीबन 30 साल 28 साल बाद उन्हां नू इत्थों जाना पिया। इस घटना ने सारे पंजाब नू जागृत करता सी, सॉरी सारे हिंदुस्तान नू जागृत करता सी, ते ये जिहड़ी लहर अजे छोटे रूप च चलदी सी
ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਘਟਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ, ਰੋਸ ਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਸਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕੁਛ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਕੁਝ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਫਸਲ ਆਏਗੀ, ਅਨਾਜ ਆਏਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਸਵੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਿਰਸਾ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਣ ਕਈ ਜਾਣਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।